वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो, और जब बनाओ सिंगार को, लिपस्टिक क्रीम पाउडर को, जब चुपड़ चुपड़ के निकलोगी बाजारों में, फिरोगी घूमोगी, तो ये लड़के क्या तुम्हें अपनी बहन बनाएंगे? 250 ग्राम लिप चुपड़ोगी जब क्रीम, और एक और वो आता पाउडर पता नहीं कौन सा, जानते हो ये पाउडर का नाम क्या? वाटर प्रूफ पाउडर। औरतों ने सोचा कि जब बारिश होती है तो हमारा चेहरा धुल जाता है, तो आनी काली तेली निकलते, तो अब उन्होंने वाटर प्रूफ पाउडर बनवा लिया। अब चाहे कितना पानी आए वो पाउडर लगा रहेगा। अब वो पाउडर तब भी नहीं छूटेगा जब उसका आदमी उसको चूमेगा चाटेगा, तब भी उसके मुंह में चला जाएगा लेकिन छूटेगा नहीं। उसका शौहर अजीब किस्म का पाउडर आता है, अजीब सब देखिए, उसकी शक्ल तक नहीं देखी जाती लेकिन बड़े शौक से लगाते हैं, और जो लगा के निकलती है तो कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे अमेरिकन बंदरिया जा रही हो। तुम हंसते हो खूबसूरत, पर कटे बाल कर, बाल कटे हैं पर चल रही हो, लग रहा है जैसे आप कह रहे हो कि जन्नत की हूर जा रही है, हमारी नज़र में तो ये अमेरिकन बंदरिया लगती है। अच्छी खासी खूबसूरती अल्लाह ने दी थी और इसने अपने आप को अमेरिकन बंदरिया बना लिया, अमेरिकन बंदरिया। तो बीच में जो चीज है वो है शर्मगाह, और दाएं बाएं उसके बॉडी गार्ड। तो अल्लाह ताला ने इशारा किया, जब तक तुम नजरें नीची करके चलोगी और जब तक बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करोगी, ज़ेब व ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने नहीं दिखाओगी, तब तक तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। और जैसे ही तुम सड़कों पर बाजारों में मेकअप करके चलने लगोगी और नजरें उठा उठा के आंखें ऊपर कर करके सर उठा कर चलोगी, तो बीच वाली चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बॉडी गार्ड ही नहीं रहा तो बीच वाली चीज पर कभी भी हमला हो सकता है। आए फातिमा, आए ज़ैनब, आए रुकैया, आए उम्मे कुलसूम, आए आयशा, आए ज़ारा, आए सारा, आए हाजरा, ये दोनों चीजें अगर तेरी उठ गई बॉडीगार्ड, तो तुझे जारा से निर्भया कभी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि बॉडीगार्ड नहीं रहे हैं तो कभी भी दरिंदगी का शिकार हो सकती है। चलती बस में तेरे साथ 10-10 लड़के भेड़िए बनकर तेरी इज्जत आबरू को कभी भी लूट सकते हैं, और चलती हुई बस से तुझे धक्का दे सकते हैं, कभी भी तेरी इज्जत आबरू लुट सकती है, क्योंकि तेरे बॉडीगार्ड तेरे पास से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि नजरें नीची करके तू नहीं चल रही है और मेकअप और खुशबू और परफ्यूम लगा के तू जा रही है। अब बॉडीगार्ड ही नहीं रहे तो शर्मगाह की हिफाजत होगी कैसे? कुरान ने इन दोनों चीजों को बॉडीगार्ड की हैसियत से पेश किया। वह अहसनत फरजहा, और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, तीन चीजें, जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, वह अताअत बालहा, और चौथी चीज जो अपनी शौहर की खिदमत करती हो, इतात फरमा बरदारी करती हो। सुन लो, औरत सिर्फ अपने शौहर की इतात फरमा बरदारी करने के लिए पैदा की गई है, इसमें कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, और थोड़ी देर के लिए मुझे माफ करना कि मौलाना जर्जीस साहब इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने इसीलिए इशारा किया है, आए ख्वातीन, आए लेडीज, आए औरतों, तुम्हारा शौहर थका हुआ, मांदा हुआ, परेशान हाल, बिजनेस करके मजदूरी करके जब थका हुआ घर में आता है, तो औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने थके हुए शौहर का खुलकर इस्तकबाल करे। जैसी दरवाजे पर दरवाजा खोलने जाए तो मुस्कुराते हुए उसका दीदार करे। यहां होता उल्टा है, औरत बेचारा, आदमी दिन भर बेचारा काम करके आया और जैसी घर में घुसा बीवी ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी, पिलक खराब हो गया बिजली का, पंखा नहीं चल रहा है, मोटर फूक गया। अरे अल्लाह की बंदी, ये बात थोड़ी देर में भी कह सकती थी, तेरा शौहर घर में आया है, वो तेरा शौहर है, बिजली मैकेनिक नहीं है जो बिजली संभालेगा। आती, अब आए हो, कब से बिजली खराब है? उसका मूड खराब हो गया, कम वक्त में तो दिन भर का थका हुआ आया हूं। बहुत सी औरतें शिकायत करती हैं, मेरा शौहर 12 बजे रात में घर में आता है, पता नहीं कहां बैठा रहता है, 1 बजे घर में आता है,
मेरी बहनों एक बात तुम्हें बताता हूं सुनो, अगर तुम घर में अच्छे कपड़े पहनकर नहीं रहती हो, बन संवर कर नहीं रहती हो, साफ लहजे में कह दूंगी परफ्यूम और खुशबू लगाकर मेकअप करके घर में तुम नहीं रहती हो, तो फिर तुम्हें ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर 12 बजे घर में आता है, 1 बजे घर में आता है, वो पूरी रात भी घर नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम उसके लिए बन सवर कर तैयार ही नहीं हो तो वो इतनी जल्दी आकर क्या करेगा तुम्हारे पास, बदबू सूंघेगा तुम्हारे पसीने की। उस औरत को शिकायत करने का कोई हक नहीं है 12 बजे आता है 2 बजे आता है, हम तो कह रहे पूरी रात न जाए, भंगर मन के रहेगी कौन जाए तेरे पास। हाँ तुम्हारी शिकायत उस वक्त जायज है जब तुम बन सवर कर अपने शोहर का इंतजार करो। औरत लिपस्टिक भी लगा सकती है, आती थी पहले लिपस्टिक उसमें खिंजीर की चर्बी, अब सारी कंपनियों ने कह दिया है कि हम ये लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हमारी लिपस्टिक में चर्बी खिंजीर की चर्बी सुअर की चर्बी की आमेजिश नहीं है, कंपनियों ने इस बात का प्रमाण पेश किया है और गवाही दी है। अगर ये कन्फर्म हो कि सुअर की चर्बी है तब तो नहीं लगा सकती है, लेकिन नहीं है तो लगा सकती है। और शौहर के लिए बाहर नहीं, बाहर जा रही लिपस्टिक लगा के पता नहीं ऐसा लगता है जैसे किसका खून पी के आ रही हो, अपने घर में रहो। आदमी ज्यादा से ज्यादा यही समझेगा ना घर की अपने आदमी का खून पिया, वो तो पियो, वो तो रोज पी रही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अगर आपका शौहर लिपस्टिक को पसंद करता है तो आप घर में लिपस्टिक लगा सकती हैं, क्रीम पाउडर लगा सकती हैं, रंग जाहिर हो ऐसा मेकअप आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मर्द की जीनत, मर्द की खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर ना हो खुशबू उठे, खुशबू उठे ये मर्द की जीनत है। क्या है? रंग जाहिर ना हो। मसलन मर्द लिपस्टिक नहीं लगा सकता लेकिन खुशबू खूब लगाए, जितनी लगा सकता, जन्नतुल फिरदौस लगाए, ऊद लगाए, कस्तूरी लगाए, ये लगाए, खुशबू उड़ रही हो। मर्द लगा सकता है, लगा के कहीं भी जा सकता है, लेकिन औरत खुशबू लगा के घर से बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन औरत की जीनत उस मेकअप में है जिसका रंग जाहिर हो और खुशबू दबी हुई हो, खुशबू दबी हुई हो। और रंग जाहिर होगा, लिपस्टिक लगाएगी तो रंग जाहिर होगा, क्रीम पाउडर लगाएगी तो रंग जाहिर होगा, ये औरत का मेकअप है। लेकिन औरतों, मेरी माँ बहनों, ये सारे हथियार सिर्फ अपने शौहर पर इस्तेमाल कर सकती हो, किसी दूसरे गरीब इंसान पर नहीं, वो तो मर जाएगा बेचारा, शौहर को मारो। इसलिए कि तुम्हें ये सारे हथियार चलाने की इजाजत शरीयत ने दी है लेकिन शौहर पर, किसी और पर नहीं। फरमाया तुम्हारा शौहर घर पे आता है तुम उसकी थकान दूर करो, हंस कर उसका इस्तेमाल करो, मुस्कुरा कर उसका जवाब दो। अब घर में आया बेचारा थका हुआ, देखा औरत किचन में घुसी हुई है, कपड़े सुखड़े हुए, एक पैचर बाहर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, और बाल बिखरे पड़े हैं, किचन की गंदगी लगी हुई है। अरे तुझे मालूम है कि 5 बजे मेरा शौहर ऑफिस से आता तो 4 बजे तक तूने काम क्यों नहीं समेटे? अपने शौहर का इस्तकबाल अच्छे कपड़ों में, अच्छी खुशबू में, अच्छे मेकअप में क्यों नहीं किया? अब सोच रहा घर पे जाऊं तो अपनी बीवी से गले मिलूं, थका हुआ हूं, कुछ सुकून हासिल करूं। घर में गया, देखा ये तो भंगर बनी बैठी, गुस्से में आया, तलाक तलाक तलाक। इससे तो अच्छा मेरी ऑफिस वाली थी, कम से कम बंठन के बैठी थी। फिर वो देर से आएगा तुम्हारे घर, क्यों आएगा? 10-9 बजे क्यों बैठेगा तुम्हारे पास? घर में आता तुम भंगर बन के रहती हो तो फिर ऑफिस वाली ही को ना पसंद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जायज है, वो गलत कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत
तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चूल्हे पर भी बैठी हो, रोटियां पका रही हो, आग जल रही हो, रोटी जलती है तो जल जाने दो, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाता है कि तुमसे कुछ फायदा हासिल करे तो तुम चूल्हे को छोड़कर, रोटियां पकाना छोड़कर अपने शौहर के पास जाओगी, उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी। इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारा घर बनाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस हद तक इजाजत दी है, इस हद तक हुक्म दिया है औरतों को, ताकि तुम्हारा भी घर बना रहे और उसका भी घर बना रहे और वो दूसरी तरफ ना भटकता। शौहर की इताअत और फरमा बरदारी हर हाल में जरूरी है। या तो शौहर की इताअत होती है, शौहर की, अल्लाह के रसूल अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हैं आयशा सिद्दीका की, तो आयशा भी तारीफ कर रही हैं, और इधर तो हाल ये होता है कि औरतें जल्दी तारीफ करती नहीं है शौहर की। जिंदगी भर नाजो नेमतों से पालता रहा हो, एक मर्तबा उसकी आप मर्जी के खिलाफ काम कर दीजिए या एक मर्तबा थोड़ा सा उसको पैसा वैसा कम मिल जाए तो क्या कहेगी, जिंदगी में कभी सुकून मिला है तुम्हारे घर? पूरी जिंदगी पर पानी फेर देगी आपकी, पूरी जिंदगी में पानी फेर देगी, पूरी जिंदगी में। सुना हूं किस्सा, एक पीर साहब थे, उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। भक्त तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूं भक्त। एक बार उस औरत ने देखा कि आसमान पर एक पीर साहब उड़ रहे हैं, मुसल्ला हवा में बिछा हुआ है और उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो औरत ने अपने शौहर से कहा, एक तुम पीर बने फिरते हो, आज मैंने पीर देखा है। देखा है कहां? आसमान में। कैसे देखा? का मुसल्ला बिछाया था। अच्छा, हवा में उड़ रहा था। बीवी ने कहा, हाँ तुम्हें कैसे मालूम? नमाज पढ़ रहा था ना। हाँ, हवा में उड़ रहा था ना। हाँ, वो मैं ही तो था। उसका शौहर बोला, वो मैं ही तो था। बीवी झट से कहती, हाँ मुझे लगा कि तुम थे। कहा, क्यों? कहा, इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, उड़ना नहीं आ रहा था तुम्हें, फिर कभी निकाल दी। अभी तक उसकी तारीफ कर रही थी, जब सुना कि ये कह रहा कि वो मैं ही तो था, तो कह रही तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। और एक मुरीद ने अपने पीर को ख्वाब में देखा कि जन्नत में घूम रहे हैं, 70-70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं, हमारे पीर साहब जन्नत के शहद और दूध की नहरों में गोते लगा रहे हैं। सुबह आँख खुली उनकी, कहने लगे अपने पीर साहब को जाके खुशखबरी सुना दूँ, अरे तुम तो जन्नती आदमी हो। जैसे ही पीर साहब गए, पीर साहब के घर मुरीद गया, उसने दरवाजे को दस्तक दी तो क्या देख रहा, अंदर आवाजें आ रही हैं, तड़ा तड़ तड़ा तड़। उसने झांक के देखा, शायद पीर साहब पिट रहे हैं। उसने सुराख से ऐसी झांक के देखा तो क्या देखता है कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। वो कहता, अरे यार ये क्या हो गया, मैंने तो ख्वाब में देखा है कि पीर साहब जन्नत में घूम रहे हैं, 70-70 हूरों के बीच में बैठे हुए, यहाँ तो एक नहीं संभल रही इनसे। ये बेचारा जाने लगा, पीर साहब दरवाज़ा खोलते, हे कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ घर, इधर आओ। क्यों आए थे? अरे कुछ नहीं यार, आया था बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने, लेकिन अगर मूड ख़राब हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। कहा, क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ यार, अरे बताओ ना क्या हुआ, क्या परेशानी थी? अरे कुछ नहीं पीर साहब, रात में मैंने ख्वाब में देखा था कि 70-70 हूरों के बगल में आप बैठे, वो इधर से बोसा ले रही है, वो इधर से पकड़ रही है, और आप मस्त हैं, दूध की और शहद की नहरों में गोते लगा रहे हैं, जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको खुशखबरी सुना दूं, यहाँ देख रहा हूँ कि आप झाड़ू से पिट रहे हैं अपनी, इतना बुरा हाल आपका। तो पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? पीर साहब ने कहा, मेरे मुरीद तुमने ख्वाब तो बिल्कुल सही देखा, ख्वाब में मैं ही था, खाक तुम थे, यहाँ झाड़ू से पिट रहे हो, मैं था। अरे सुनो तो पहले,
तुमने ख्वाब में जो मुझे देखा जन्नत में वो बिल्कुल सही देखा, वो अल्लाह ने मुझे ही को जन्नत दी है, लेकिन वो जन्नत मिली कैसे वो तुम्हें मालूम है? कहा मैं क्या जानू? कहा अपनी बीवी के हाथ से रोज झाड़ू से पिटता हूं और उसी पर सब्र करता हूं, इस सब्र के बदले में अल्लाह ने मुझे जन्नत दी है। पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? मौलवी और पीर कभी हार मानता है? कभी नहीं मानता। वो कौवे और कबूतर वाला चुटकुला सुने हैं ना आप? एक शिकारी के जाल में कौवा भी फंस गया और कबूतर भी फंस गया, तो कौवा भी रो रहा था कां कां कां, कबूतर भी गुड़ 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 फंस गया। तो कौवे को गुस्सा आया, कौवे ने कहा चुप, गुड़ गु करते करते कान पका दिए मेरे। तो कबूतर बोला तू भी तो काँव 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 कर रहा है, तूने तो मेरे कान पका दिए। तो कौवा बोला वे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं तो मैं कबूतर बोला अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं तो हलाल हूँ और ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के जिबा करके खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, तूने काँव 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 करके मेरे कान काई पका दिए, चुप। कौवा बोला मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ। कबूतर बोला मुझसे ज़्यादा परेशान हो? अरे तू तो हराम है, तू ये तो जाल से निकाल के उड़ा देगा शिकारी, तेरा क्या करेगा, या पिंजरे में बंद कर देगा तो खाना पानी देगा, तू कटेगा थोड़ी, हमें तो कटना है। कौवा बोला चुप, कटना है कटना है, ये जाल किसी जाहिल का नहीं है जिसमें हम फंसे हैं, ये एक मौलवी साहब का जाल है जिसमें हम फंसे हैं। कबूतर बोला क्या कि हाँ? तो कबूतर ने पूछा कि मौलवी साहब का जाल हुआ तो क्या हुआ? करे मौलवी पे कोई भरोसा नहीं, कब कौवे को भी हलाल का फतवा दे के काट के खा जाए, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं, तुमसे ज्यादा परेशान हूं, मौलवी कभी हार मानता नहीं, पता नहीं कब फतवा दे दे कौवा भी हलाल है, या ये कह दे काला कौवा हलाल है, या ये कह दे कि दो पैर वाला कौवा हलाल है, उसका कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे और हमको काट के खा जाए। मौलवी पीर कभी नहीं हारता, कभी नहीं, सब परेशान है इनसे। तो वह अतात बालहा, अपने शोहर की इताअत और फरमाबरदारी, ये चार काम जो औरत कर ले, इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मरातु इजा सल्लत खमसा व सामत शारा व अहसनत फरजा व अतात बालहा, जो औरत ये चार काम कर ले, चार काम कर ले, पांचों वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपनी शौहर की इताअत और फरमाबरदारी कर ले, फलतदखुल मिन अय्यबुहा बिल जन्नत इशार, ऐसी औरत से कहा जाएगा आए अल्लाह की नेक बंदी तेरे लिए जन्नत के आठों दरवाजे खुले हुए, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री पाना चाहे पा जा, तेरे लिए जन्नत के आठों दरवाजे खुले हैं। मेरी माँ बहनों लो, तुम्हारे लिए ये चार काम करने पर अल्लाह के रसूल फरमाते कि जन्नत में एंट्री मिल रही है तुम्हें, पांच वक्त की नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, शौहर की इताअत कर लो, शर्मगाह की हिफाजत कर लो, जन्नत में दाखिल हो जाओ, ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है।